उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यानी जो लोग अब तक जॉब कर रहे थे अब उन पर खतरा आ चुका है, और कहीं ना कहीं जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तब अगर उसमें उनका सिलेक्शन होता है तब जाके वो जॉब ले सकेंगे। कोर्ट के इस फैसले को समाजवादी पार्टी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है, सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। इतना ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब कोई मसला होता है तो उसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका देते नजर आए। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार दांव पे चले जा रहे थे, जो वंचित खुद को बता रहे थे अभ्यर्थी, वो प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो विधानसभा हो उसके सामने करना हो या फिर लखनऊ के गली मोहल्ले चौराहों तक उन्होंने खूब प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, पुलिस ने न जाने क्या क्या किया। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इन चीज़ों का वीडियो शेयर करते रहे, सोशल मीडिया पर लगातार वो इस चीज़ों को की आवाज़ को उठाते रहे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। यह हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बनाई जाए जिससे पारदर्शी निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। अखिलेश यादव ने कहा कि हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या फिर नाइंसाफी नहीं होगी, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी पर आबाद है सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसने हाल ही में अपना लोगो यानी चुनाव चिन्ह बदल दिया है, अब चाबी पे आ चुकी है क्योंकि सत्ता की भी चाबी कभी कभार इनके हाथ लग जाती है। लेकिन अब इन्होंने भी इस मसले पर अपना पलड़ा तुरंत झाड़ लिया और इनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर की ओर से कहा गया कि ओपी राजभर ने इस मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम किया था और उठाया था। अरुण राजभर ने कहा कि जब तक अनियमितताओं को दूर कर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण नियमावली का सही से पालन नहीं कराया जाता और नई लिस्ट नहीं बन जाती तब तक युवाओं को न्याय और उनका हक दिलाने के लिए लगातार लड़ाई जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी सरकार में सहयोगी भी हैं, लेकिन इस वक्त उनके तेवर भी थोड़े अजीब तरीके के दिखाई दे रहे हैं सरकार के लिहाज से या फिर बीजेपी के लिहाज से देखा जाता। अब उन्होंने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। यही नहीं, हैरानी तब होगी जब केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी सरकार में डिप्टी सीएम है वो भी स्वागत करते हैं इस फैसले का और कहते हैं कि न्याय मिलेगा। यानी अब तक आप सरकार में मंत्री रहकर क्या न्याय देते रहे या फिर आपकी सरकार क्या करती रही, उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लिहाजा इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर 69,000 शिक्षकों में से आप एक हैं तो उसे भी बताइएगा अब आपके साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आपको खड़ी हो रही है या फिर खड़ी हो सकती है। मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।